चले हम पुनः गुजरात की यात्रा पर, दर्शन करें भगवान नागेश्वर। भगवती पार्वती की एक सखी थी जिसका नाम दारुका, एक राक्षस, ठीक। और भगवती पार्वती इनसे बड़ा प्रेम रखती है, ठीक है। इसके पति का नाम है दारुक। ये दारुक दारुका के साथ मिलकर अत्याचार करता है। सभी लोग भागे भागे औरव मुनि के पास गए। औरव जी से कहा कि प्रभु दारुक और दारुका अत्याचार कर रहे हैं। औरव मुनि ने श्राप दिया है दारुक को, आज के बाद तू संतों का अपराध करेगा, ब्राह्मणों का अपराध करेगा, नष्ट हो जाएगा। देवताओं ने सुना इसको श्राप मिला है, देवताओं ने आव देखा ना तब दारुक पर आक्रमण कर दिया। वर्णन मिलता है ग्रंथों में दारुका जिस इलाके में रहती है उसे कहते हैं दारुका वन, ठीक। ये वन शिव पार्वती का है, शिव पार्वती यहाँ विहार करते हैं। तो पार्वती जी ने ये दारुका को दिया। ये 16 योजन का है, एक योजन 12 किलोमीटर का होता है, ठीक ठीक। ये 16 योजन का है और पार्वती जी ने इसे वरदान दिया था, जब तू चाहे इस पूरे वन को लेकर उड़ सकती है। दारुका वन पहले कैलाश में था, जब आज देवताओं ने आक्रमण किया दारुका उस पूरे वन को लेकर उड़ी और पहुंची समुद्र के किनारे, सौराष्ट्र गुजरात। अब समुद्र के मार्ग से लोग नाव लेकर आते तो ये इनको प्रताड़ित करते, प्रकंपित करते। एक सुप्रिय नामक वैश्य आया, शिव का बड़ा अच्छा भक्त, शिव का बड़ा प्रिय उपासक। तो आज दारुक ने सबको लूटा, जेल में डाल दिया। सुप्रिय शिव की वैसी ही उपासना करता। नौका वालों को भैया दारू कष्ट दे रहा है, सुप्रिय को बांध दिया। आज सभी प्रार्थना करते हैं तो सुप्रिय के पूजित शिवलिंग से भगवान शिव प्रगटे हैं बड़े क्रोध में और भगवान शिव दारू की सेना का नाश करने लगे। भैया नाश करते करते दारू और दारुका के मरने की नौबत आई तो दारुका ने चीत्कार लगाई, पार्वती माँ मेरी रक्षा कीजिए, आपने मुझे वरदान दिया था। भगवती पार्वती ने शंकर को रोका है, उन्हें जीवन दान दिया है। दारुक और दारुका को शिव कहलाए नागेश्वर, जगदम्बा कहलाई नागेश्वर। बोलिए नागेश्वर भगवान की। द्वारिका जाने वाले लोग, सोमनाथ जाने वाले लोग नागेश्वर की यात्रा अवश्य करते हैं। दूसरा, नागेश्वर का एक विशेष आकर्षण ये भी है, नागेश्वर मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव की बड़ी विशाल प्रतिमा बैठी हुई, पद्मासन। दर्शन दर्शन। बोलिए शंकर भगवान की।